कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी ने घोषणा की है कि इसके अधिकारियों ने वैनकूवर में संस्था के इतिहास में हुण तक की सब तो वड्डी अफीम जब्त की है। ऐलान किया गया कि RCMP की मदद नाल लगभग 2500 किलोग्राम अफीम जब्त की गई है। कैनेडा के पब्लिक सेफ्टी मंत्री मार्को मेडिसिनो ने कहा कि साड़ी भाईचारे की सुरक्षा साड़ी प्रमुख तरजीह है। साड़ा काम सरहदां तो शुरू हुंदा है, गैरकानूनी नशीले पदार्थां नूं कैनेडा विच आउण तो रोकना अते अपराधिक गतिविधियां नूं रोकना शामिल है। मैं CVSA कर्मचारियों का साडे देश नूं सुरक्षित रखण लई उन्हां दी तेज अते निर्णायक कार्रवाई लई धन्नवाद करना चाहुंदा। RCMP दे नाल मिलके CVSA ने कहा कि इसकी जांच सितंबर विच शुरू हुई। समुद्री कंटेनरां विच छुपे हुए नियंत्रित पदार्थां दे संभावी महत्वपूर्ण याद की भाल विच CVSA दे मैट्रो वैनकूवर मरीन ऑपरेशंस ने अक्तूबर दे अखीर तक 19 समुद्री कंटेनरां दी जांच कीती। CVSA स्टाफ ने एक रिलीज़ विच कहा कि एक्सरे टैक्नोलॉजी समेत खोज साधना ते टैक्नोलॉजी की एक विशाल श्रेणी की वरतों करते हुए अफसरां ने एक डूंगी छुपाई विधि के हिस्से वजो शिपिंग प्लेटों में बेनियमी का पता लगाया, फिर ड्रग्स नूं होर अपराधिक जांच लई RCMP दी संघी अपराध इकाई नूं सौंप दिता गया। CVSA दे प्रशांत खेतर दी खेतरी निर्देशक नीना पटेल ने कहा कि साडे सरहदी सेवावां दे अधिकारी खुफिया अधिकारी अते विश्लेषक यह यकीनी बनाउण लई सख्त मेहनत करते हैं कि गैर कानूनी अते खतरनाक नशे साडे भाईचारे तो दूर रहन। अफीम दी इह रिकॉर्ड जब्त साडे भाईचारे दी रक्षा लई उन्हां दे शानदार समर्पण दी इक उदाहरण है।